मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, ज़ैनुल आबिदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमणि आयर और अय्यादुराई सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी। MG K मैनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा ज़ैनुल आबिदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी मां जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मुयसर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटेरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। अल्लाह अकबर। रामेश्वर मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की ईजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में 2री आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और मां से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் फिर जंग ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साला लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्यादुराय सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड, उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे क़याम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्यादुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्यादुराई सोलोमन, जो बाद में रेवरेंड हो गए, कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कूंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लो गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कूंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर परवाज करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1,000 रुपये की जरूरत थी और मेरे अब्बा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं बसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर, जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे, मैं कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज़्यादा खुसूसी मजमून चुनना थे, यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासर किया, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंह राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनेमिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए। प्रोफेसर KAV पंडले ने मुझे एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी, विश्लेषण, एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नज़रिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। साधे संगी हरि हरि नाम चित्तारा चित्तारा, साधे संगी हरि हरि नाम चित्तारा, सहज आनंद होवे दिनु राति, अंकुर भलो हमारा। साधा संगी बड़ भागी, गुरुपुरा भेटियो बड़ भागी, जाको अंतु न पारावारा, अंतु न पारावारा, पारावारा। नानक सरनी कही स्वामी की, पुनः पुनः नमस्कार। साधा संगी साधा संगी। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बैक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया, दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड से सितारों की गति, रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तख्लीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया। डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया, 250 रुपये की माहाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टोरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहमदिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरन की सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MG K मैनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर, एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे INCOSPAR से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर MG K मैनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर सारा भाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशंस अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हद तक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाकया हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपैची। नाइकी अपैची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर सारा भाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशून कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का, जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए, 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्ग्रीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए, जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर सारा भाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सुमीठा होए। थुम्बा में दो रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहिणी, दूसरा मैंने कहा। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन वीएस नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रैटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं, जिम्मेदार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सत्रें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रैटो पे काम करते हुए दो अहम वाकयात हुए। पहला तो यह था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रोमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रोमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की 4थी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। यह मामूल था मेरा, आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। पापम तीरदु पुण्यमु नगी नगी कालमु नाटकमु यगुवनशी वेंकटेश्वरुडे लिखे यगुवनशी वेंकटेश्वरुडे लिखे गगनमु मीदिदि कैवल्यमु गगनमु मीदिदि कैवल्यमु कैवल्यमु। कुछ अरसा प्रोफेसर MG K Manan ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है। आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारामद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार होंगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी ईजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तख्लीक की तरह SLV-3 की तख्लीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिर्दे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा ज़ैनुल आबदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, ना अखबारों ने स्याह हाशिए दिए, ना सियासतदान थे वो, ना विद्वान कोई, ना कोई बड़े सरमायादार। एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता सिफत, और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा, चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे। SLV-3 अपोजी रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी, अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी मां की मौत की खबर पहुंची। यके बाद दीगरे 3 मौतें हो गई मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की जरूरत थी। 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल नीति और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया था। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का यह रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी कजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब दम्म खुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबासे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान न आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ़ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर, मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफ़ी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी, और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा। यह ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थीं। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थीं। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था। जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया, फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पड़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगा कर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। ओ आनंद से डोही आनंद तरंग, आनंद से डोही आनंद तरंग, आनंद चियंग आनंद से, आनंद चियंग आनंद से, आनंद से डोही आनंद तरंग, आनंद से डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे बिंबे। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे बिंबे। तुका म्हणे तैसा तैसा, तुका म्हणे तैसा ओतला से ठसा, अनुभव सरीसा मुखाला। आनंदाचे डोई आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाचे, आनंदाचे डोई आनंद तरंग। पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकटरमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे, जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है। यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़े हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की ईजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकेंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली। हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, यह बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है। गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर KC पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपलें लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर ली हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो। ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अदच्चेत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तदस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि, हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। उन्नीस के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी धूप लपके आसमां हमने सुनहरी कर दिया, कभी धूप लपके आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीन मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम, कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीन मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है, मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिज़ा मेरी, मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीन मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीन मेरी, मेरा आसमां, बड़ा खूबसूरत है जहां।